नमस्कार साथियों, इस समय हम लोग श्री राम वृंदावन के इन पावन गलियों में मौजूद हैं, जहां हमारे साथ आज हमारे ही ललितपुर ज़िले के कुछ लोग यहां पर मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं कि आखिर श्री राम वृंदावन की इस पावन यात्रा में उन्हें कैसा फील हो रहा है। भैया क्या नाम है? राम किशोर। तो राम किशोर जी, कैसा लग रहा है श्री राम वृंदावन में? बहुत बढ़िया लग रहा है यहाँ, और माहौल बहुत बढ़िया है यहाँ। तो आप सुबह कल आए थे या सुबह आए थे? कल आए थे शाम को। तो कल आए थे आप शाम को, तो कल से अभी तक आपने पूरे दिन भर से राम वृंदावन की होली खेली होगी। तो इसमें आपको क्या अच्छा लगा, कैसे रंग पड़ते हैं, क्या कौन सी चीज़ आपको अच्छी लगी? नहीं, यहाँ का बहुत बढ़िया माहौल है। तो माहौल इनको सबसे बढ़िया लगा। और भी हमारे साथ लोग हैं, भैया क्या नाम है? रोहित कुमार। तो रोहित कुमार जी, कल से आप लोग आए हैं, तो कैसा फील हो रहा है आप लोगों को? बढ़िया फील हो रहा है, और यहाँ की होली भी सबसे बढ़िया है। होली के माहौल पर यहाँ बहुत आदमी आते भी हैं, और होली पर बहुत भीड़ भी है, और अच्छा लग रहा है। तो अच्छा लग रहा है लोगों को, जो भी लोग मिले, सब लोग सभी अच्छे, सबको अच्छा लग रहा है, क्योंकि श्री राम वृंदावन एक बहुत अलौकिक नगरी है, इसलिए श्री राम वृंदावन में आने के बाद हर एक इंसान को अच्छा ही लगता है। और भी हमारे साथ लोग हैं, भैया प्रधान जी हैं हमारे पास के गाँव के, पंडित आशुतोष गोस्वामी जी। गोस्वामी जी, कैसा लग रहा है यहाँ का? यहाँ पे बहुत अच्छा माहौल है, श्री वृंदावन धाम की अलग महिमा है, और पुराना कई वर्षों से चला आ रहा है जो होली का महोत्सव, इस बार भी बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है। कोरोना काल में कुछ थोड़ा सा कमज़ोर रहा, लेकिन अभी पूरी रौनक है, और सभी लोग बड़ी तल्लीनता से और इसको मना रहे हैं। आप यहाँ आए कब थे? हम कल आए थे सुबह। तो कल से आपको क्या यहाँ पर सबसे अच्छी बात लगी? यहाँ पे जो भी आ रहा है वो अपने बिल्कुल एक उत्सव की तरह मनाने के लिए आता है। होली का पूर्ण उत्सव जो आजकल एक समस्या हो गई है गांव में, तो वहाँ शराबियों की वजह से कुछ लोग होली खेलना भी चाहते हैं तो नहीं खेल पाते हैं, तो उनका ये रहता है कि हम वृंदावन जाएंगे और वहाँ पे अपना होली का महोत्सव, भगवान कृष्ण के मंदिरों में जाएंगे, भगवान के दर्शन करेंगे, और होली का रंग भगवान बिहारी जी को चढ़ाएंगे। चलिए और भी हमारे साथ लोग हैं, भैया क्या नाम है? इंद्रपाल सिंह यादव। तो इंद्रपाल सिंह जी, कैसा लग रहा है यहाँ आकर के? बहुत आनंद आ रहा है, पहली बार हम आए हैं इस होली के अवसर पर, और बहुत आनंद में होली मना रहे हैं। तो कल से आप लोग आए हैं, सबसे अच्छा आपको क्या लग रहा है श्री राम वृंदावन में? तरह तरह के रंग गुलाल, यहाँ आदमी को मनोरंजन के गुलाल हैं, ये सबसे अलग अलग तरह तरह के। चलिए खैर, ये एक अच्छी बात है जो आदरणीय प्रधान जी बता रहे थे। क्या बता रहे? बिना केमिकल की गुलाल है, और बड़ी खूबसूरती है गुलाल में, कोई भी केमिकल रंग यूज नहीं किया गया है, और बड़ी अच्छे से यहाँ पे उत्सव मनाया जा रहा है, सभी लोग बड़े दिल से उत्सव मना रहे हैं। एक गुलाल एक कारण है जो तमाम जगह ऐसी गुलालें दे दी जाती हैं जिससे चेहरे पर फर्क पड़ता है। एक बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात, यहाँ कोई भी मादक पदार्थ, शराब आदि, इस शराब के अलावा कोई भी मादक पदार्थ, कोई भी व्यक्ति यहाँ देखने को नहीं मिला। ये बहुत सौभाग्य की बात है, और ये बहुत ही अच्छी बात है। तो ये एक सौभाग्यशाली बात है कि कोई भी शराबी व्यक्ति हो, नशेड़ी व्यक्ति हो, कुछ भी नशा करते हुए यहाँ पर नहीं पाएगा। और भी हमारे साथ लोग हैं, भैया भैया क्या नाम है आपका? क्या नाम है भैया? हमारा कमल बघेल नाम है। तो कमल बघेल साहब, कैसा लग रहा है यहाँ पर? बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पर आके, काफ़ी लोगों के अंदर उमंग उत्साह है, और होली का माहौल है, तो सभी मिलजुल कर, सभी बहन भाई सब होली खेल रहे हैं। आप आए कहाँ से हैं? ग्वालियर MP। तो ग्वालियर से आप आए हैं, तो सबसे अच्छी चीज़ श्री राम वृंदावन में क्या लगी आपको? सबसे अच्छी लोग बागों का प्रेम मोहब्बत सबसे अच्छी लगी, और जैसा कि भैया ने बताया, आज गुलाल वगैरह जो भी है बिना केमिकल के गुलाल चल रहा है, कोई भी स्मोकिंग वगैरह कुछ भी नहीं चल रहा है ज़्यादातर। चलिए, तो लोग इससे काफ़ी खुश हैं कि स्मोकिंग नहीं है, और भी तमाम जो है वो सब नहीं है। और भी हमारे साथ लोग हैं, भैया क्या नाम है? हमारा नाम सुनील बघेल है। जी सुनील बघेल साहब, कैसा लग रहा है यहाँ का त्यौहार? बहुत बढ़िया, अच्छा लग रहा है जी। तो सबसे अच्छी चीज़ आपको इस पूरे, जब से आप आए हैं अभी तक, कौन सी बात आपको सबसे अच्छी लगी यहाँ की होली में? सबसे अच्छी बढ़िया मंदिर अच्छा लगा है यहाँ पर, सबका प्रेम अच्छा लगा है, बढ़िया गुलाल है, कोई केमिकल नहीं है, ये भैया बोल रहे थे अभी, और कोई फालतू आदमी नहीं है, जो जुआ शराब कबाड़ी कोई दिक्कत नहीं, कोई जनता को कोई परेशानी नहीं है, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, और सभी बढ़िया राधे राधे गा रहे हैं, राधे राधे के चरणों में है। चलिए, तो श्री राम वृंदावन वहाँ के बिहारी लाल के चरणों में, राधे राधे के चरणों में समूचा वृंदावन इस समय पड़ा हुआ है।
इस समय हम लोग मौजूद हैं प्रेम मंदिर के बिल्कुल ठीक सामने। इससे यहाँ से 300 मीटर की दूरी पर प्रेम मंदिर है, आगे बैरिकेडिंग है, बड़ी मुश्किल